अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं हमारे वीडियोस को सबसे पहले पाने के लिए। हेलो, आई एम कुलदीप नामदेव और इस लेक्चर के थ्रू हम बात करेंगे डेवलपमेंट ऑफ सरफेसेस की। डेवलपमेंट ऑफ सरफेसेस होता क्या है, इसका प्रिंसिपल क्या है और इसको डेवलप करने के कितने मेथड्स हैं। तो बात करते हैं डेवलपमेंट की। तो डेवलपमेंट क्या होता है? द डेवलपमेंट ऑफ सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट मीन्स द अनरोलिंग एंड अनफोल्डिंग ऑफ ऑल सरफेसेस ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन अ प्लेन। यानी कि डेवलपमेंट में हम करते क्या है, डेवलपमेंट में जैसे कि आप नीचे देख पा रहे हैं एक पिक्चर आपको नजर आ रही है, सारे पिक्चर्स को देखने पर आपको एक ही चीज समझ में आ रही है कि मैंने क्या किया है, उस ऑब्जेक्ट को ओपन कर दिया है। यानी कि हम पहले चीज ये समझ लें डेवलपमेंट किसका करते हैं, डेवलपमेंट करते हैं हम लेटरल सरफेस का, यानी कि बाहरी सरफेस का। मान के चलते हैं कि ऑब्जेक्ट अंदर से हॉलो है, बस एक शीट का बना हुआ है, यानी कि कह सकते हैं ऊपर से कवरिंग है और उस कवरिंग को हम कट करते हैं, यानी कि उस एज को हमें कट करना है और उसको बिल्कुल एज अ प्लेन ओपन कर देना है। तो जो ओपनिंग कहलाएगी उसे डेवलपमेंट हम कहते हैं, यानी कि उस ऑब्जेक्ट को कट करके पूरा खोल के बिछा देना है। तो जो आपको ओपन पार्ट नजर आएगा वही डेवलपमेंट कहलाता है। अदर वर्ड में आप कह सकते हैं इफ द सरफेस ऑफ अ सॉलिड इज लेड आउट ऑन अ प्लेन सरफेस द शेप दस ऑब्टेन इज कॉल्ड द डेवलपमेंट ऑफ दैट सॉलिड। आई थिंक आपको पिक्चर देख के जो डेफिनेशन मैंने आपको दी है उसके थ्रू आपको समझ में आ गया है एक्चुअली डेवलपमेंट होता क्या है। अब आगे बात करते हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डेवलपमेंट का इंपॉर्टेंस क्या है, उसका प्रिंसिपल क्या है और उसके मेथड क्या क्या है। तो बात करते हैं इसके इंपॉर्टेंस की। नॉलेज ऑफ डेवलपमेंट इज वेरी यूजफुल इन शीट मेटल वर्क, कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टोरेज वेसल्स, केमिकल वेसल्स, बॉयलर्स एंड चिमनीज। यानी कि ये सारे ऐसे एरियाज हैं जहां पर डेवलपमेंट की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। वहां पे हम करते क्या है, जैसे कि मैंने बताया आपको शीट मेटल वर्क हो गया, स्टोरेज वेसल्स हो गया, केमिकल वेसल्स, बॉयलर्स, ये जनरली चीजें क्या होती है, शीट की बनी होती है। और शीट को अगर हमें यूज करना है तो पहले हम क्या करते हैं, उसका डेवलपमेंट तैयार करते हैं, यानी कि एक प्रोटोटाइप तैयार करते हैं, उसका साइज स्पेसिफिक होता है। तो पहले हम उसको शीट को उसी तरह से डेवलप करते हैं, फिर क्या करते हैं उसे फोल्ड कर देते हैं। फोल्ड करने के बाद जो शेप हमको चाहिए होता है वो हम गेन कर लेते हैं, यानी कि उसमें एडिशनल मटेरियल भी हमारा वेस्ट नहीं होता, समय भी वेस्ट नहीं होता और बिल्कुल एक्यूरेट हम उस ऑब्जेक्ट को बना लेते हैं। तो यही इंपॉर्टेंस है डेवलपमेंट का। सच वेसल्स आर मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम प्लेट्स दैट आर कट अकॉर्डिंग टू दीज डेवलपमेंट्स। Such vessels are manufactured from plates that are cut according to these developments and then properly bent into desired shape. जैसे मैंने बताया आपको, पहले उसको कट कर लिया जाता है डेवलपमेंट के हिसाब से, यानी कि क्या उसका साइज होना चाहिए, फिर फाइनली उसको सारे पार्ट्स को आपस में ज्वाइन कर लिया जाता है। तो जो डिजायर्ड शेप चाहिए होता है वो हमें गेन हो जाता है, एडिशनल मटेरियल वहां पे नहीं बचता, यानी कि एक्स्ट्रा मटेरियल कुछ नहीं बचता है और इसमें मटेरियल का वेस्टेज भी बच जाता है, यानी कह सकते हैं कि वेस्टेज यहाँ पे बिल्कुल नहीं होता है और प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, समय बचता है। द ज्वाइंट्स आर देन वेल्डेड और राइवेटेड। फिर ज्वाइंट्स क्या करते हैं, उसके हम वेल्डेड कर देते हैं, उसको राइवेट कर देते हैं। शीट मेटल वर्क में और प्लेट से अगर जो अपन को ज्यादा थिकनेस चाहिए थोड़ी सी, है ना, जिसमें अपन को स्ट्रेंथ ज्यादा देनी है, तो वहां पे हम जनरली शीट की जगह प्लेट्स यूज कर लेते हैं और वहां पे उसका डेवलपमेंट तैयार करके उस जो भी डिजायर्ड अपन को वेसल चाहिए या बॉयलर चाहिए, डिजायर्ड जो अपन को ऑब्जेक्ट चाहिए उसको हम बना लेते हैं। बात करते हैं इसके प्रिंसिपल की, क्या इसका प्रिंसिपल है। एवरी लाइन ऑन द डेवलपमेंट शुड शो द ट्रू लेंथ ऑफ द करस्पॉन्डिंग लाइन ऑन द सरफेस विच इज डेवलप्ड। यानी कि जो डेवलपमेंट का प्रिंसिपल है वो सिंपल सा प्रिंसिपल है, यही प्रिंसिपल है कि जो डेवलपमेंट हम करते हैं उसमें जो साइज हम लेते हैं ऑब्जेक्ट का वो ट्रू साइज लेते हैं। क्या लेते हैं, ट्रू साइज, यानी कि उसका एक्चुअल हम लेंथ लेते हैं और एक्चुअल लेंथ लेंगे तभी जो डेवलप्ड पार्ट बनेगा वो एक्चुअल बनेगा और उसको जब हम रिज्वाइन करेंगे डिजायर्ड शेप में लाने के लिए वो शेप बिल्कुल सही आएगा। तो यही इसका बेसिक प्रिंसिपल है। अब बात करते हैं इसके मेथड क्या है। चार जनरली मेथड है, पैरेलल लाइन मेथड कहते हैं इसको, रेडियल लाइन मेथड कहते हैं, ट्रायंगुलेशन मेथड कहते हैं और अप्रोक्सीमेट मेथड कहते हैं। तो ये चार मेथड है इसको डेवलपमेंट करने के लिए। तो चारों मेथड को फटाफट हम पढ़ लेते हैं।
पहला जो मेथड है वो है पैरेलल लाइन मेथड। अब पैरेलल लाइन मेथड जनरली सिलेंडर और प्रिज्म के डेवलपमेंट के लिए यूज किया जाता है। एक बार फिर बार बार ध्यान दीजिए इस पे कि सिलेंडर और प्रिज्म के डेवलपमेंट के लिए हम क्या करेंगे, पैरेलल लाइन मेथड ही यूज करेंगे। इट इज यूज फॉर डेवलपिंग प्रिज्म एंड सिंगल कर्व्ड सरफेसेस लाइक सिलेंडर्स इन विच ऑल द एजेस और जनरेटर्स ऑफ लेटरल सरफेसेस आर पैरेलल इन ईच अदर और इक्वल से पैरेलल टू ईच अदर। यानी कि इसमें देखिए जितने भी जनरेटर्स हैं सारे जनरेटर्स कैसे हैं, आपस में पैरेलल हैं। सिमिलर उसी वे में यहाँ पे जितने भी एजेस होंगे सारे एजेस कैसे हैं, आपस में पैरेलल हैं। तो यहाँ पे पैरेलल लाइन मेथड यूज करके हम सिलेंडर और प्रिज्म का डेवलपमेंट करते हैं। बात करते हैं आगे अगले मेथड की। तो अगला मेथड है यहाँ पे रेडियल लाइन मेथड। आप रेडियल लाइन मेथड का यूज कब करेंगे, जब हमें डेवलपमेंट करना होगा पिरामिड का या कोन का जिसमें एपेक्स होता है, ठीक है। इट इज एम्प्लॉयड फॉर पिरामिड्स एंड सिंगल कर्व्ड सरफेसेस लाइक कोन्स इन विच द एपेक्स इज टेकन एज सेंटर। यानी कि इसमें जब हम डेवलपमेंट करेंगे तो इसका एपेक्स होगा उसे सेंटर लेके हम जितने भी पॉइंट्स होते हैं उसको मार्क करते हैं एंड द स्लेंट एज और जनरेटर एज रेडियस ऑफ दिस डेवलपमेंट। और जो सेंटर के अलावा जो रेडियस लिया जाता है वो जनरली इसके स्लेंट एज से लिया जाता है। और बेसिकली ये लगभग लगभग दोनों में बहुत समानता है जब इसका डेवलपमेंट हम करते हैं, थोड़ा बहुत ही माइनर सा चेंजेस है, बाकी लगभग लगभग दोनों को डेवलपमेंट करने का तरीका बिल्कुल सेम है। और इन दोनों का डेवलपमेंट के लिए हम रेडियल लाइन मेथड का यूज करते हैं। ओके, अब बात करते हैं आगे। आगे है ट्रायंगुलेशन मेथड। ट्रायंगुलेशन मेथड जनरली इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में बहुत ही कम आते हैं, ना के बराबर आते हैं, मगर फिर भी पता होना चाहिए, डेवलपमेंट का एक इंपॉर्टेंट मेथड है ये। अब देखिए इसका यूज कब करते हैं, इट इज यूज फॉर डेवलपिंग ट्रांसिशन पीसेस। ट्रांसिशन पीसेस का डेवलपमेंट जब हमें करना होता है तो यहाँ पे ट्रायंगुलेशन मेथड की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। क्यों होता है, देखिए यहाँ पे पहले ये यहाँ देखिए ऊपर सर्कुलर सेक्शन है, मान के चलिए कोई ये पाइप है, ओके, यहाँ से वाटर फ्लो होने वाला है। आप देखेंगे यहाँ पे एक सर्कुलर सेक्शन है और यहाँ पर नीचे स्क्वायर सेक्शन है। अगर मैं चाह रहा हूँ स्क्वायर सेक्शन को सर्कुलर सेक्शन से आपस में ज्वाइन कर दूं तो वहां पे एक मुझे ट्रांसिशन पीस चाहिए पड़ेगा। क्या चाहिए पड़ेगा, ट्रांसिशन पीस की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ जो पीस आपको नजर आ रहा है जो ट्रांसिशन पीस है, यानी कि नीचे देखिए स्क्वायर शेप है, ऊपर कैसा है, यहाँ सर्कुलर सेक्शन है, यानी कि अब तीनों को आपस में ज्वाइन करूंगा तो ये एक एक पार्ट बन जाएगा। और ये ऐसा होगा कि ये कह सकते हैं एक ऐसा पीस बन जाएगा जिसमें यहाँ पे ट्रांसिशन के थ्रू मैंने इसको स्क्वायर से लेकर सर्कुलर क्रॉस सेक्शन में कन्वर्ट कर दिया। ओके, तो ये ट्रांसिशन पीस यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। देखिए यहाँ पे ट्रायंगल्स बने हुए हैं, तो यही सब चीजें हैं यहाँ पर। तो आप देखेंगे इन दिस मेथड, इस मेथड में करते क्या है अपन, द लेटरल सरफेस ऑफ द ट्रांसिशन पीसेस आर डिवाइडेड इनटू अ नंबर ऑफ ट्रायंगल्स। यानी कि जो ट्रायंगुलर पीसेस कह सकते हैं आप, जो ट्रांसिशन पीस होगा उसको हम नंबर ऑफ ट्रायंगल्स में डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। जैसे ये ट्रायंगल ये हुआ, ये ट्रायंगल ये हुआ, ये ट्रायंगल ये हुआ, इस तरह से ट्रायंगल में इसे कन्वर्ट कर लेते हैं अपन, या डिवाइड कर लेते हैं बाय फाइंडिंग द ट्रू लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ ईच ट्रायंगल। फिर क्या करते हैं, सारे जो ट्रायंगल्स हमने डिवाइड किए हैं इसके अलग अलग ट्रू लेंथ सब फाइंड आउट करते हैं। द डेवलपमेंट इज ड्रॉन बाय लेइंग ईच वन ऑफ द ट्रायंगल्स इन देयर ट्रू शेप्स एडजॉइनिंग ईच अदर। फिर क्या करते हैं, उसका डेवलपमेंट तैयार करते हैं, फिर फाइनली उनको आपस में ज्वाइन कर देते हैं। तो ज्वाइन करने के बाद क्या होगा, फाइनली हमें ट्रांसिशन पीस मिल जाएगा, फिर उसके बेसिस पे हम इनको आपस में ज्वाइन कर सकते हैं। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया। ट्रायंगुलेशन मेथड में करना क्या है, जो भी ट्रांसिशन पीस होगा उस पीस को बनाने के लिए पहले क्या करेंगे, उसका डेवलपमेंट करना है। डेवलपमेंट करने के लिए उस जो एरिया है ट्रांसिशन पीस का, है ना, यानी कह सकते हैं लेटरल सरफेस है, उसको हम अलग अलग ट्रायंगल्स में डिवाइड करेंगे और उसके ट्रू लेंथ को लेते हुए फिर हम इसको डेवलप करेंगे, फाइनली इसको आपस में ज्वाइन करेंगे और ट्रांसिशन पीस तैयार हो जाएगा। अब बात करते हैं अगले मेथड की। अगला मेथड भी इंपॉर्टेंट है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं अप्रोक्सीमेट मेथड। अप्रोक्सीमेट मेथड में क्या होगा, जनरली हम स्फीयर की बात करें डबल कर्व्ड सरफेस की, तो वहां पे उस ऐसे सरफेस की जो डेवलपमेंट होती है, है ना, तो वहां पे अप्रोक्सीमेट मेथड हम यूज करते हैं। इट इज एम्प्लॉयड फॉर डबल कर्व्ड सरफेसेस लाइक स्फीयर्स एज दे आर थ्योरेटिकल नॉट पॉसिबल टू डेवलप। थ्योरेटिकली बात करें तो उसका डेवलपमेंट इतना आसान नहीं है, जनरली कह सकते हैं वो पॉसिबल नहीं है, तो वहां पे अपन डबल कर्व्ड सरफेसेस के लिए हम अप्रोक्सीमेट मेथड यूज करते हैं। द सरफेस ऑफ द स्फीयर इज डेवलप्ड बाय अप्रोक्सीमेट मेथड, से मैंने बता चुका हूं आपको।
द मटेरियल ऑफ द ऑब्जेक्ट इज देन स्ट्रेच्ड, यानी कि इसकी स्ट्रिप्स कट करेंगे और उसको क्या करेंगे, स्ट्रेच करेंगे बाय मशीन्स, ठीक है, टू प्रोड्यूस द डेवलपमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी कि स्ट्रिप्स में इसे कन्वर्ट करेंगे, फिर बाद में स्ट्रेच करेंगे, फिर उनकी ज्वाइनिंग करेंगे, तो हमें वहां पे डबल कर्व्ड सरफेसेस, यानी कह सकते हैं लाइक स्फीयर हमें मिल जाएगा आफ्टर ज्वाइनिंग ऑल द पार्ट्स, ऑल द पीसेस। तो यहाँ पे अप्रोक्सीमेट मेथड का इंपॉर्टेंस आता है। तो जितने भी मेथड्स मैंने आपको बता दिए, रेडियल लाइन मेथड हो गया, एक बार फिर अपन डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि रेडियल लाइन मेथड हो गया, एक पैरेलल लाइन मेथड हो गया। पैरेलल लाइन मेथड से हम किसका डेवलपमेंट करते हैं, सिलेंडर का, प्रिज्म का करते हैं, ठीक है। रेडियल लाइन मेथड है, रेडियल मेथड से अपन पिरामिड और कोन का हम डेवलपमेंट करते हैं। तो ये रेडियल लाइन मेथड और पैरेलल लाइन मेथड, ये दोनों लाइन मेथड जो है बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्यों, जनरली आप जो इंजीनियरिंग ड्राइंग में डेवलपमेंट करते हैं वो पिरामिड, कोन, सिलेंडर, प्रिज्म का ही करते हैं, तो ये दोनों मेथड आप जनरली वहां पे यूज करेंगे। ट्रायंगुलेशन मेथड हो गया और ये अप्रोक्सीमेट मेथड हो गया, इनका जनरली आप ज्यादा यूज नहीं करते हैं, मगर फिर भी डेवलपमेंट तो इसका होता है, मगर ड्राइंग में जनरली इस क्वेश्चन को बहुत कम पूछा जाता है। तो आपके रेडियल लाइन मेथड और पैरेलल लाइन मेथड आप देखेंगे जब आने वाले न्यूमेरिकल्स आप सॉल्व करेंगे। तो ये वीडियो यहीं पे खत्म होता है। ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज बताइए कमेंट बॉक्स में। मैंने सारी चीज शॉर्ट ड्यूरेशन में कवर करने की कोशिश की है। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाले बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं और सारे सारे वीडियोस बहुत मजेदार होने वाले हैं। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन प्रेस करेंगे, तो जितने भी वीडियोस मैं रिलीज करूंगा यहाँ सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। तो ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।